श्रीराम महोत्सव समिति के नेतृत्व में होंगे सप्ताह भर आयोजन। देवाधिदेव त्रिलोक के स्वामी भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है, जिसमें आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा विभिन्न धर्माचार्य एवं विद्वान पंडितों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने जा रही है। पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भगवान राम लला को तंबू से भव्य मंदिर में सिंहासन पर विराजने की खुशी व उत्सुकता का वातावरण पूरे विश्व में राममय है। इसी के चलते श्री राम महोत्सव समिति के अध्यक्ष ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय ने आज एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि समिति एक सप्ताह तक इसे धार्मिक उत्सव के रूप में मनाएगी, जिसके तहत शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों की सफाई, मंदिरों में भोग प्रसाद वितरण, संत व सन्यासियों का सम्मान, गायों को चारा डालने के साथ साथ असहाय लोगों को भोजन भी कराया जाएगा। इसी के क्रम में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें सभी सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन व सर्व समाज की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर समिति के चित्रंजन व्यास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए भिलोड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। 500 साल से हमारे भगवान श्री राम जो तंबू में थे, हमारे देश के धर्माचार्यों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य कई सामाजिक संगठनों के प्रयासों से, लंबे आंदोलन से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के सारथी रूप में अडवाणी जी के साथ जो रथ यात्रा निकाली थी, उसके परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। और उस भव्य राम मंदिर में भगवान तंबू से रामलला राजगद्दी पर सवार होने, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, राजगद्दी पर विराजेंगे। ये हमारे सभी सनातनियों के लिए, पूरे विश्व के धार्मिक लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा अच्छा माहौल है। इसके लिए श्री राम महोत्सव समिति भीलवाड़ा में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर जितने भी धार्मिक मंदिर है वहाँ हम साफ सफाई का अभियान करेंगे। वहाँ कूड़ा करकट एकत्र कर कचरा पात्र में डालेंगे, पोचा लगाएंगे, हम वहाँ झाड़ू निकालेंगे और श्री राम स्तुति और श्री रामावतार का पाठ करेंगे। वहाँ एसआई जो लोग हैं उनको सबको हम प्रसाद वितरित करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, निराश्रित जो सड़क पर गाय हैं उनको मिठाई और गुड़ खिलाएंगे, जितने भी कार सेवक हैं उन सभी कार सेवकों को का हम उनके स्वर्ण निवास पर जाके सम्मान करेंगे, साधु संत और धर्माचार्यों का भी उनके आश्रमों पर जाके सम्मान करेंगे, क्योंकि राम मंदिर बनाने में उनका भी महत्ता योगदान है। 21 तारीख को एक विशाल भव्य शोभा यात्रा, जितने भी धार्मिक संगठन हैं, जितने भी राम मंदिर निर्माण में जितने भी संगठन लगे हुए हैं, जितने टोटल संगठनों के सहयोग से 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा शांति भवन संकट मोचन बालाजी से भीलवाड़ा के सभी मुख्य मार्गों में होते हुए दूधाधारी मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जय राम श्री राम, जय जय।